विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की सालों से चली आ रही गुलाबी मोहब्बत अब घर की देहड़ी की ओर मुड़ गई है। क्रिकेट की दुनिया से लेकर समंदर किनारे वाले शहर तक बात फैल गई कि क्रिकेट की पिच का हीरो मायानगरी वाली हीरोइन को अपना दुल्हनिया बना लिया है। कभी चुपके चुपके तो कभी जमाने के सामने चार साल तक चली प्यार की कहानी को सात जन्मों के रिश्ते में बदलने के लिए दोनों ने सात समंदर जाकर सात फेरे लिए। पूरी दुनिया चार साल तक इस मोहब्बत का गवाह रही। कई दफे दोनों एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले नजर आए, तभी लगने लगा था कि इस प्यार का अंजाम सात फेरे तक तो जाएगा ही। पर शादी की बात चली तो हिंदुस्तानी हवा से हजारों किलोमीटर दूर विराट अनुष्का ने शादी की। फैंस के लिए इंतजार की घड़ी खत्म हुई। ट्विटर की मायावी दुनिया से दोनों ने सात जन्मों तक एक दूसरे के हो जाने का ऐलान किया। कोहली और अनुष्का के चाहने वालों की संख्या लाखों में है। ऐसे में दोनों अपनी पसरती हुई मोहब्बत वाली दुनिया की खबर सबको देना चाहते थे, पर बहुत कुछ छुपाकर और थोड़ा बहुत बताकर। जैसे ही शादी की तस्वीर सामने आई, सोशल मीडिया पर दोनों के गैर जरूरी चर्चे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। फैंस ने दोनों के लिए एक नया नाम भी गढ़ दिया, विराट और अनुष्का से बना नाम विरुष्का। बॉलीवुड और क्रिकेट की दो दुनिया के दो सितारों के इस मिलन वाले भव्य शादी से दूर रहे दोस्तों के लिए दिल्ली और मुंबई में रिसेप्शन पार्टी दी जाएगी। इसके लिए दिसंबर महीने की ही 21 और 26 तारीख का दिन मुकर्रर किया गया है। दोनों की मोहब्बत शुरू तो हुई हिंदुस्तान में, लेकिन अनुष्का की मांग में विराट के नाम का सिंदूर भरा गया इटली में। शानदार वादियों में बने ख्वाबों वाले महलों को भव्य तरीके से सजाया गया था। बस खास लोगों को निमंत्रण भेजा गया था, कुछ खास व्यवस्था थी, लेकिन सबसे खास थे दूल्हा और दुल्हन। वैसे भी कहते हैं कि दिल और दौलत दोनों जब एक साथ मिल जाए तो पूरी दुनिया कदमों में होती है। विरुष्का के साथ यही कहानी है। दोनों को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।